ब्रो अपना वो तो दिखा देते, ये कैसा भरना है, थोड़ी चिटिंग विटिंग मान लेता। तो अभी अमन के पीछे लग रही है नंबर प्लेट, बोले तो बंदे की नंबर प्लेट। तो भाई रेस हो भैया, रेस फुल ऑन रेस। Hey yo guys, what is up? Welcome to Gurung Bash channel. This is Aman and this is Akash. What's up everyone? This side is Akash Gurung. Welcome to the another new vlog. So guys, आज का title and thumbnail तो आपने देख लिया होगा। आज की जो हमारी video होने वाली है वो होने वाली है अपनी हीरो के इवेंट के एंड। लोगों ने नई बाइक निकाली है, नई तो नहीं बोल सकते, obviously ये पुरानी हो चुकी है, एक साल हो चुका है इसको। ये है एक्सट्रीम 160 भाई साहब। तो आज हम जाने वाले इवेंट में, तो आज हमें ये चलाने की, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रैक पे जा रहे हैं एंड ट्रैक का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नर्वस फील भी है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे राइडर आ रखे होंगे, तो उनका जब कॉम्पिटिशन होगा ना तो भाई साहब ईगो में बात आ जाती है। तो क्योंकि ईगो मेरा ऐसा होता है फिर मैं हाइपर राइडिंग में आता, हाइपर राइडिंग में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा इस चक्कर में नर्वस हूँ, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई जैसे कि आकाश ने कहा, आकाश का भी ये पहला मतलब एक्सपीरियंस होगा, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा। और आज हमारे साथ ज्वाइन करें नीरज भाई ने और एक और भाई है, और कुछ भी भाई का वेट भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे आ रखे हैं, बहुत सारी बाइकें भी खड़ी है आप देख सकते हो। अभी गाइस ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स बाइक वगैरह नहीं है, नॉर्मल बाइक है सबकी। जैसे इधर देख सकते हो हमारे जो इसमें आ रखी है आज है स्पोर्ट्स बाइक यहाँ खड़ी है गाइस, देख सकते हो स्पोर्ट्स बाइक जी Z900 खड़ी है पीछे, मतलब आ रखी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने आ रखी है। और ये फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो इवेंट हो रहा है ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो में गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो आज हीरो का इवेंट्स है। तो एक ग्रुप में हमारे पास लिंक आया था कि यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आज हम यहीं पे आए हुए हैं। तो गाइज अभी देखेंगे क्या एक्सपीरियंस होता है, और जैसे कि ब्रेकफास्ट से लेके मतलब जो रिफ्रेशमेंट रहेगी, ट्रैक्स वगैरह जो रहेगा, ए टू जेड फ्री रहने वाला है। और अभी बस राइडर्स का वेट कर रहे हैं, और बाकी की जो भी क्लिप्स होगी वो आपको हम दिखाएंगे। बने रहना हमारी वीडियो में, स्टे ट्यून्ड गाइज। तो फाइनली गाइज आ चुके हैं हीरो के इवेंट पे। लेट लतीफ ट्रैक और वो नोएडा अंकित जुकरान का वो कर देना फेस रिवील। यहाँ से एंट्रेंस भाई साहब, ट्रैक देखो, ट्रैक दिख रहा है वैक्सीनेशन की। हाँ, है वो उससे निकल जाएगी ना, उससे निकल जाएगी, क्या था आरोग्य सेतु ऐप से। ये मोबाइल नंबर जो लगा होगा तो उससे तो दिख जाएगा। आई नो, बट ये चीज है ना, मेंशन करनी चाहिए थी। बाय चांस कोई विदाउट फोन वाला हो उसको सीन भी हो जाएगा ना। अरे पहले तो बहुत इजी था, इस बार तो भाई पढ़ा लिखा करने का 3 महीने कोर्स करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मेरे में वो नहीं, ये आप लोग चेक नहीं कर सकते, आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है यार, होना चाहिए। आपको आता चेक करना, आप कर दो। नहीं आरोग्य सेतु ऐप में खोल रखा है मैंने, ये इसमें नहीं जाना किससे पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा, पहले तो डायरेक्ट ही आ जाता था। एक सेकेंड वैसे ना मेंशन करना चाहिए था आप लोगों को कि ये मैंडेटरी है। ये अगर बेचारा कोई अंगूठा छाप आ जाता उसका तो क्या हाल। अरे ये तो सामने ही मेरे लिखा हो वैक्सीनेशन को, समझ में नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, लॉगिन रजिस्टर नंबर आकाश। तो अब फॉर्म आ चुका है मेरे पास, बनना आया था मैं राइडर, बट लगता है IAS-YS बन के जाऊंगा, UPSC के फॉर्म बनने वाले। ये फॉर्म है भाई ना? यस। क्या क्या बनना है इसमें, अपना अच्छा नाम, रेजिडेंस वगैरह, पापा का नाम पता नहीं इसमें लिखा है, ये सन डॉटर और वाइफ, इसमें आपका नाम डाल दो वाइफ में। अंकित भाई अकेले बन लिया, यू कैन सी इट, लेट्स गो ब्रो। अपना वो तो दिखा देते, ये कैसा भरना है, थोड़ी चीटिंग विटिंग मान लेता। चीटिंग करता है तू, UPSC है। ओह भाई, तो अभी गाइस अभी अमन फॉर्म भर रहा है, मेरा ही भर दियो। ब्रो यार बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा कोविड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, डोंट टच मी। कुछ वो ये तो निकल ही नहीं रहा। एमपी यो ब्रो, एक साथ नहीं आना, फिर सारे एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, फिर वीडियो कॉल बनाएगा।
मैम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सबमिट करवाना है भाई। मैम भाई अपने पे तो अपने पास आ चुका है 104। अरे भाई मैम इसको लगाना तो नहीं है ना, मैंडेटरी तो नहीं है लगाना क्या है? अच्छा मैंडेटरी है मैम। मैम ये ओके थैंक यू सो मच मैम। यार बेइज्जती करा दी यार आप लोगों ने। रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट पहले ही पकड़ना यार, मैं भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लूं। तो गाइस जैसे ही हमने एंटर करा था तो एंटर करते हमें मतलब सेकंड डोज दिखानी थी, मतलब कि आपने लगा रखी वैक्सीनेशन की। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। तो मेरा नंबर मिला 106 और आकाश का 104 मिला है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट बहुत सही है। अभी सब ने अनबॉक्सिंग कर लिया ब्रेकफास्ट की, मेरा लास्ट है, मैं खा लेता। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या मतलब इन्होंने दे रखा है, मतलब इन्होंने सही प्रोवाइड कर रखा है ये सब ना। और रेड बुल भी मिली है, रेड बुल प्लस पानी की बोतल। देख सकते हैं एक चिप्स है और लेस का पैकेट और यहाँ पे एक गुड्डे बिस्कुट और डेरी मिल्क है, फ्रूटी है और ये भी केक है कैडबरी का चॉकोबेक से। और यहाँ पर ये सैंडविच विदाउट सॉस तो है ही नहीं सर। मैंने तो भाई साहब सैंडविच फाड़ दिया। Who the hell are you? Why you disturb me? Where? Who the hell? So guys, अपुन ने तो सैंडविच फाड़ दिया है, तो अभी अपन की अनबॉक्सिंग हुई है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे अपना ट्रैक है, तो यहाँ पे रेस स्टार्ट होगी, तो अपना नंबर भी आएगा। तो अभी अमन के पीछे लग रही है नंबर प्लेट, बोले तो बंदे की नंबर प्लेट। तो अमन का नंबर है 106 एंड देख सकते हो यहाँ पे एक्स ट्रैक ऑबन ट्रैक है, उन्होंने ड्रैग बोला था। नहीं वो ड्रैग उस ट्रैक अच्छा, का नाम रजिस्ट्रेशन जब करा रहे जब उन्होंने ड्रैग लिया था, मेरे को लगा ट्रैक ही है ना। ओ भाई स्केट होते हुए बचा यहाँ पे, थंबनेल मिल जाता गिव जाता वो भाई मेरा डांस। ओ माय गॉड ओ ओ नचिया एक सौ सात एक साथ मारा भाई, देखना जी फाड़ देगा साथ भाई, भाई, भाई ये भाई फैमिली कंटेंट है ब्रो, फैमिली कंटेंट भी। अरे जी मतलब कुछ, जी मतलब क्या होता है यार, जी मतलब जीनियस नहीं होता है। ओ जीनियस मतलब पता नहीं कैसा समझ रहे हैं। ओ माय गॉड ये स्माइल कुछ अलग ही बता रही है। व्यू अच्छा आ रहा है यहां से। तो गाइस अभी मेरा टर्न आ चुका है, तो उससे पहले रेड बुल हो जाए, एनर्जी अपनी बढ़ानी है, फुल पावर के साथ पकानी है। और यहाँ पे एमी भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी फर्स्ट ट्रैक होगी पे, तो होप करते हैं मतलब एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा लेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आग लगा देनी, आग नहीं क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रही है, कॉपी राइट ना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई कॉपी राइट लग जाए। अभी आप एक सौ चार नंबर भाई तुम्हारा रेडी है, भाई तुम्हारा रेडी है, फुल ऑन तवाई मचा देनी है इस बार। एंड फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैक है ये, बोलो फर्स्ट टाइम है मैं ट्रैक में गाड़ी राइड करूँगा। एंड ये देखा है तो प्रॉपरली ट्रैक नहीं है, इसको बना रखा है, बट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। प्रॉपरली ट्रैक अंदर है ना, वहाँ की साइड है, नहीं उधर भी नहीं है, वो नॉर्मली है। एंड अंकित भाई कुछ बोलना चाहते हो, रेनेक्स की जैकेट पहन के आ रखी है अंकित भाई, यही है क्या वो शायद कैमरा शायद यही बोलूंगा सबको जो भी अभी राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप में, वो इन लोगों के साथ पहले राइड करें, उसके बाद एक्सपीरियंस मिलेगा। काफी बंदे आ रखे हैं यहाँ पे हमारे ग्रुप में, बंदे नए भी आए हैं। भाई आपका नाम परविंदर भाई अच्छी राइड करते हुए मैं देख रहा था, डोमिनार आपकी थी ना? नहीं यार RS 200 थी। अच्छा RS 200 थी, नहीं आगे देख रहा था मैं। नहीं अच्छी राइडिंग अच्छी, चलो फिर लगते हैं नंबर लगाते हैं। अगर तुम्हें कभी वीडियो भाई स्माइल दे रहे
रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो बनानी हो ना लाउडेस्ट RS 200 इन दिल्ली NCR तो मेरे खाली ले लेना। ले लेना वीडियो बनाना तुम। आवाज साउंड कैसे आता है कुछ एग्जॉस्ट यहाँ देखेंगे भाई को। So today we have a truck. We have changed the format since last year. Since last year what we used to have was a track which had more straights, less curves. Now we are starting with a lot more technical in like fourth gear. Reduce it to still second gear for this particular pin, for the hairpin. So I tell you, this is a slight change. We start from here. We take a right and we go straight. आपको सपोर्टर्स मिल चुके हैं सेफ्टी के लिए नी गार्ड। अगर किसी ने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी तो उनको राइडिंग जैकेट तो नहीं एल्बो गार्ड्स मिल जाएंगे। तो गाइस यहां पे ट्रैक में स्टार्ट हो चुकी है रेस। एंड नेक्स्ट नंबर हमारा है। तो अभी हमारे बंदे रेडी हो रहे हैं, देन उसके बाद अपना नंबर। एंड गाइस ये सबको दे रखे हैं यहाँ पे टेंट टाइप के, तो यहाँ पे एक एक बंदे को खड़ा होना जो जो राइड में। आप अपने टेंट में जाओ ना ब्रो, दिस इज योर टेंट। दो लैप्स हैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस लैप होगा, फिर दो लैप्स है ना। 160 cc है, फास्टेस्ट इन द सेगमेंट इसका एक्सेलरेशन। ओके ठीक है। और कुछ एक्सेप्टेड फीचर्स हैं जैसे साइड्स हैं, ऑटो कट साइड्स हैं। और ये तो कब तक ये इंडियन मार्केट में आ जाएगी? वैसा आज आ चुकी है, आ रखी है। बस 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 क्विक शिफ्टर तो नहीं होगा ना इसमें? कट 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 क्विक शिफ्टर आपको इसमें तो नहीं होगा यार। नहीं वैसे R15 में आ गया ना वो, तो 150 cc है। दिस इज माय बाइक। ओह माय गॉड वो है तेरी वो है ना। तो गाइस अपनी बाइक आ चुकी है एक्सट्रीम 160R। ये हेजार लाइट जलती रहेगी क्या इसकी? हेजार लाइट जलती रहेगी ना इसकी? चलती एंड टर्निंग पॉइंट में इंडिकेटर देना कंपलसरी है। डन। ये पहला प्रैक्टिस लैप। तो गाइस पहला प्रैक्टिस लैप। ओ क्या भाई लॉन्चिंग पावर क्या है इसकी भाई साहब। ये फुल खतरनाक। ओ भाई मजा आ गया मजा। ओ भाई भाई ये सबसे शार्प कट है, लीन कट। ओवर टेकिंग। निकलो ब्रो आगे निकलो। भाई बहुत खतरनाक। ये प्रैक्टिस लैब भाई साहब। अब पूरा मैप जान लिया ये किस तरीके का मैप है। Woo!
सबसे खतरनाक कट, इस पे थोड़ा सा टाइम लेता है। सबसे डॉज पावर बहुत खतरनाक है पिकअप भाई साहब, ये सीखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी भाई साहब, अलग ही बातचीत। भाई साहब पावर भाई 160 सेक्शन में बहुत तगड़ी पावर है इसकी, अलग ही भाई। एक्सट्रीम भाई साहब, ट्रैक में फर्स्ट टाइम करके अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस, भाई बहुत मजा आ गया। ये टर्न में बार बार फंस रहा हूँ मैं, क्योंकि शार्प टर्न बहुत गंदा है, वो अमन आ रहा। अब थोड़ा मजे लेके चला जाए, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अब बहुत आई थिंक सो ये लास्ट लैप है मेरे हिसाब से। zigzag zigzag ब्रो, वीडियो देना। छोड़ दू तो मजा आया। डीके डीके बिठाओ ना, बिठाओ बिठाओ, पकड़ा। अलग ही एक्सपीरियंस था, कैसा लगा मन? ज़िगज़ैग कट थे ना, वो बहुत खतरनाक थे, मजा आ गया था। वीडियो बनाई आपने काली भाई की बनाई या हमारी बनाई? आई लव यू भैया, आई लव यू, लेट मी सू दैट भाई। मजा आ गया मुझे तो, बहुत मजा आया। स्टैंड स्टैंड सॉरी स्टैंड आप आगे चले रहे हां, अच्छा आगे नहीं पा। अलग ही एक्सपीरियंस था भाई, आप लोग भी ये ट्राई करो अगर देख रहे हो तो गाइस। भाई बहुत तगड़ा मजा आ गया, मौसम बना दिया मौसम भाई, मुझे तो काफी मजा आया भाई। आगे आने जितने मिले ना सारे के सारे प्रो थे, वो तो अच्छा था। आप भी थे क्या? आप भी थे क्या? आपको तो बाइक मिली नहीं थी ये रही है। अच्छा ये सबसे, ये तो 1000 cc की थी। एग्जिट का टाइम आ गया अब गाइस। तो गाइस ये है सेकंड ट्रैक, यहाँ पे ड्रैग होने वाला है।